अगर आप किसी लड़के या लड़की को प्यार करते हैं और उसका दिल हासिल करना चाहते हैं, उसको अपने साथ करना चाहते हैं, उसको वश में करना चाहते हैं, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। किसी को अपने वश में करने का वजीफा, किसी को आप तुरंत वश में करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर हम किसी को भी अपने वश में करके उसे मनचाहा काम करवाना चाहें तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि वश में करने का वजीफा, क्योंकि वजीफा और अमल किसी इंसान को अपने वश में करने में मदद करते हैं। अपने वश में करने के लिए हिंदी में टोटके बहुत सही है, लेकिन उन टोटकों के सिवाय वजीफा और अमल भी बहुत लाभदायक हैं। अपना खोया प्यार हासिल करना हो तो आप ये वजीफा मगरिब की नमाज के बाद करें। सबसे पहले वजू करें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस आयत को एक बार पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूंक मारें, अपने चेहरे पर फेरें। अब आप जहां भी जाएंगे वहां के लोग आपके वश में हो जाएंगे। आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस अमल को तब तक करें जब तक आपका प्यार वापस ना आ जाए। ये अमल लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अल्लाह से अपने खोए प्यार को वापस लौटने की दुआ करें। इंशाल्लाह आपका प्यार खुद ही चल के आपके पास लौट आएगा और आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर सफलता मिलेगी। समस्या चाहे कैसी भी हो, हर समस्या का समाधान मौलाना जी के पास। अगर आप किसी लड़के या लड़की को प्यार करते हैं और उसका दिल हासिल करना चाहते हैं, उसको अपने साथ करना चाहते हैं, उसको वश में करना चाहते हैं, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। किसी को अपने वश में करने का वजीफा, किसी को आप तुरंत वश में करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने वश में करने के लिए हिंदी में टोटके बहुत सही है, लेकिन उन टोटकों के सिवाय वजीफा और अमल भी बहुत लाभदायक हैं। अपना खोया प्यार हासिल करना हो तो आप ये वजीफा मगरिब की नमाज के बाद करें। सबसे पहले वजू करें, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस आयत को एक बार पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूंक मारें, अपने चेहरे पर फेरें। अब आप जहां भी जाएंगे वहां के लोग आपके वश में हो जाएंगे। आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और इस अमल को तब तक करें जब तक आपका प्यार वापस ना आ जाए। ये अमल लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। अल्लाह से अपने खोए प्यार को वापस लौटने की दुआ करें। इंशाल्लाह आपका प्यार खुद ही चल के आपके पास लौट आएगा और आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको जरूर सफलता मिलेगी। लव मैरिज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इंटरकास्ट लव मैरिज, एक्स लव को वापस पाएं, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर ब्लैक मैजिक वशीकरण की प्रॉब्लम हो, लव स्पेल्स, वुडू स्पेल्स, लकी लॉटरी नंबर, प्रेम विवाह, ग्रह कलेश, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में तकरार, काला जादू, सौतन से समस्या, वशीकरण करवाना हो या तुड़वाना हो, प्यार से जुड़ी हुई समस्या, लव मैरिज प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इंटरकास्ट लव मैरिज, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी की रुकावट, बनते कार्य बिगड़ जाने या शादी विवाह में रुकावट हो, समाधान पाएं तुरंत। घर में बीमारी का, कलेश का या फिर किसी भी तरह की बरकत नहीं हो रही है तो घर में सुख शांति आएगी, कठिन से कठिन समस्या का समाधान होगा। तो आज ही अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कॉल करें मियां मुश्ताक अली को। उनका नंबर है +91 890 566 0081।